वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चैलेंज करने जा रहे हैं, इनफैक्ट हम नहीं जिया करने जा रही है, और वो चैलेंज करने जा रही है एलिवेटर टू द अनदर वर्ल्ड। हमने इससे पहले 2-3 बार कर चुके हैं, ज़्यादा मैंने ही किया हूँ, मैंने 2 बार किया हूँ, और लिटरली मुझे दोनों बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखे होंगे। तो एक बार ब्लडी वाइब्स में ही किया था जब वो ब्लडी टैक्स हुआ करता था, और एक बार ब्लडी सत्य की दुनिया में किया था और बहुत क्रीपी एक्सपीरियंस था। तो आज जिया करने जा रही है बड़ी हिम्मत से, और इसके एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डरी हुई है। मैं जब से बोल रहा हूँ इतनी ज़्यादा डरी क्यों हुई हो, हिम्मत रखो, अपने अंदर डर को हावी मत होने दो, सब कुछ सही होगा, नॉर्मल होगा। अब तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, हाथ में इसलिए लिख लिया है कि कौन से फ्लोर में कैसे कैसे उतरना है। तो रूल है, मैं समझा देता हूँ एक बार। तुमको सबसे पहले जाना है ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में उतर के तुम थोड़ा बाहर हो जाओ, उसके बाद बताओ सब लोगों को कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि सबको समझ में आए और तुमको भी समझ में आए। फिर लिफ्ट में आना है, तुमको फोर्थ फ्लोर की बटन दबाना है, फिर सेकंड, फिर सिक्स, फिर टू, और फिर दबाना है टेंथ। टेंथ के बाद असली खेल शुरू होगा। बोलते हैं कि फिफ्थ में कोई तो लड़की चढ़ेगी जो कि लड़की नहीं होगी, कम उम्र की होगी, वो एक होगी शैतान या भूत कह सकते हैं। वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको बात नहीं करना है, उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। हो सकता है वो तुमसे पूछे कि कहाँ रहती हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, कुछ नहीं, ऐसा रिएक्ट करना है कि तुमको सुनाई नहीं देता है। लेकिन यार मैं तो जवाब बात नहीं करना है, नहीं बात नहीं करना है तुमको, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर फिफ्थ में आओगी ना तुम, फिफ्थ के बाद तो तुमको पता ही है तुमको दबाना है बंद। वन में अगर लिफ्ट आ गई तो तुमको निकल के पहली फुर्सत में दूसरी वाली बिल्डिंग की लिफ्ट पकड़ के घर पे आ जाना है, वन में अगर आ गई लिफ्ट तो। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ चल रही होगी, तुम्हारे पीछे पीछे चल रही होगी, हो सकता है वो तुमको दिखाई ना दे, लेकिन वो चल रही होगी। और फिर अगर तुमने 5 में जाने के बाद 1 में दबाई हो लेकिन लिफ्ट 10th में आ गई, तो समझ जाना कि अब सोचना है तुमको कि लिफ्ट से निकलना है बाहर, कि अब तुमको अपना फ्लोर दबा के घर पे पहुंचना है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा 10th में आने के बाद, लेकिन फर्स्ट में गई ना भाई, पहली फुर्सत में निकल जाना। चलो अभी बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब बढ़ जाओ आगे चैलेंज करने के लिए, ऑल द बेस्ट, और डर को हावी मत होने देना। अभी हावी होने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि डर हावी ना हो, क्योंकि धक धक अंदर से हो रहा है। मैं ऐसे इतने रात में, बहुत काफी रात हो रही है, पहली रात, पहली बार हो रहा है, मतलब इतनी रात 2:30 बज रहे हैं रात के, अकेले मैं जाऊं लिफ्ट में और ऐसा कोई खौफनाक भूतिया चैलेंज करूं। मैं पहले वैसे ही बहुत ज्यादा डरती थी, अभी तो कैसे हिम्मत बांध रही हूं। अब करो, अभी इतना बोलोगे तो डरोगे। चलो करो, चलो चलो। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूं, और यहाँ से गेम स्टार्ट करना होता है। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, निखिल ने काफ़ी समझाने की कोशिश किया कि ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पर हावी होने लगती हैं, लेकिन डर का क्या करें, वो तो किसी को कभी भी लग सकती है। तो मैं ज़्यादा ना बात करते हुए चलती हूँ और इस गेम को स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी आ जाओ साथ में, देखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी मैं लिफ्ट के पास आ गई हूँ और यहाँ से लिफ्ट के बटन दबाती हूँ। यहाँ पे किसी ने तोड़ा है तो दिखता नहीं कहाँ पे पहुँचा है, लेकिन आना तो चाहिए, अभी आ क्यों नहीं रहा है। थोड़ा सा और वेट करती हूँ। अभी मेरे को वापस से बहुत ज़्यादा, चलो थैंक गॉड, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी मैं फोर्थ फ्लोर दबा रहा है, मैं फोर्थ फ्लोर दबाती हूँ और देखना होगा। अभी काफी ज्यादा घबराहट हो रही है। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं वैसा। अभी मेरे को सेकंड दबाना है, हो क्या गया मुझे, शिट। अभी मैंने सेकंड दबा दी हूँ और देखते हैं कि क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी मुझे 6 दबाना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो कैसे शूट हो रहा है, क्या हो रहा है, बस मैं कर रही हूँ।
अब सिक्स से वापस सेकंड पे जाना है। अभी टर्न करती हूँ, जितना ज्यादा जाना हो रहा है फ्लोर दबाना है उतना डर लग रहा है। मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ क्या क्या बोल रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी 10th फ्लोर पे जा रही हूँ, 10th फ्लोर पे देखते हैं कुछ, शायद कोई आत्मा चढ़ेगी। अब 10th से 5th पे, फिफ्थ का समझ में नहीं आ रहा था, 10th से 5th पे करी हूँ और अभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि असली गेम अब चालू हो गया है, कोई ना कोई स्पिरिट या कुछ एंटर कर गई है। गॉड 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 गॉड, क्या हो रहा है उधर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी फर्स्ट पे दबा रही हूँ, अगर फर्स्ट से कहीं और चली गई लिफ्ट तो फिर पता नहीं क्या होगा। फर्स्ट दबाई हूँ मैंने, मुझे फर्स्ट से निकल के बाहर जाना होगा। गिरने वाली थी, लिटरली में गिरने वाली थी। मुझे बिना पीछे मुड़े जाना होगा, फटाफट मुझे जाना होगा। किधर से जाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, इधर से जाना होगा, पीछे तो मुड़ना नहीं है। मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती हूँ। मैं फाइनली लिफ्ट से बाहर निकल गई हूँ। जैसा कि निखिल ने बताया था कि 5th फ्लोर पे कोई स्पिरिट होगी, कोई लड़की होगी यंग सी जो चढ़ेगी, वो मुझे दिखाई भी दे सकती है या दिखाई नहीं भी दे सकती है, लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं कैमरे में ही देख रही हूँ, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है। आप लोगों को कैमरे में कुछ भी दिखाई देता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वो मैं बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा स्पूकी है वहाँ पे। वो बिल्कुल रिफ्यूजी वाला एरिया है और वहाँ पे इस टाइम पे तो कोई आ ही नहीं सकता और बिल्कुल सुनसान सा रहता है। मुझे दिन में जाने वहाँ पे डर लगता है और अभी रात का टाइम है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन जो स्पिरिट है वो दिखाई तो मुझे नहीं दी, लेकिन शायद हो सकता है कि वो मेरे पीछे है और या तो मेरे साथ वो चल रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पता नहीं। मैं लिफ्ट देखूँ, मैं लिफ्ट दबाती हूँ बटन, समझ में भी नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ क्या क्या दबा रही हूँ। लिफ्ट बटन दबाती हूँ, आप देख सकते हो, और उसके बाद आगे 16th फ्लोर पे डिफ्यूजी है, वहाँ मुझे जाना है। और इस टाइम पे आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो मैं पीछे मुड़ के कहीं नहीं देख सकती। बहुत लोग लग रहा हो इसमें डरने वाली क्या बात है, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, जो करता है ये चैलेंज या ऐसी चीजें। आ गई लिफ्ट, शिट मेरा चप्पल छूट रहा था। लिफ्ट आ गई है, मैं लिफ्ट के अंदर एंटर कर दी हूँ। अभी मैं 16th फ्लोर दबा रही हूँ, दूसरी बिल्डिंग से जाना होता है। इतना डर क्यों लग रहा है, धक-धक सा हो रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा डर क्यों लग रहा है। आ
आने ही वाली है। ओ गॉड प्लीज प्लीज गॉड। फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती हूँ। अभी मैं डिफ्यूजर में एंटर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि आप लोग दिखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा स्पूकी दिखता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। गॉड प्लीज गॉड। हाथ भी कांप रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहे। क्योंकि मुझे अब नहीं पता तो क्या होने वाला है। कितने लोग चल के आ गए जाती हूँ। बैल क्यों नहीं बजा पा रही हूँ, हाथ में नहीं घुस रहा मेरा। एक सेकेंड लेकिन यार ये नॉन स्टॉप भौंका ही जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। और ये अपनी बिल्डिंग के नीचे ही भौंक रहा है, इतने जोर से भौंक रहा है, नॉन स्टॉप भौंक रहा है और चुप हो ही नहीं रहा है, चुप नहीं हो रहा है। और इधर मेरी हिचकी भी खत्म नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया। कुछ अजीब सा था, मतलब ऐसे नेगेटिविटी डर तो पहले से ही लग रहा था लिफ्ट में स्टार्ट करने से पहले ही, लेकिन जब रिफ्यूजी वाले एरिया में आई वहाँ पे ऐसा लगा कुछ बहुत अजीब सी जोर से आवाज हुई। तुम पता है जब आ रही होगी ना ऊपर, हाँ। उस टाइम पे अभी जैसे कोई भौंक रहा है, हाँ। कॉफी भौंक रहा है कि कौन भौंक रहा है पता नहीं, हाँ। लेकिन भौंकने की बहुत तेज आवाज आने लगी थी। फिर मैं यहाँ पे निकल के देखा भी था कि मैटर क्या है, कोई दिखाई दे रहा है कि कुछ है क्या। अभी भी उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, भौंक रहा है पता नहीं। लेकिन जाते टाइम तो कॉफी मुझे दिखा था, आते टाइम शायद ऐसा लग रहा है मुझे वो दिखा था, लेकिन मैंने भौंकते हुए नहीं देखा। लेकिन जो रिफ्यूजी में हुआ पता नहीं अजीब सा, मेरा फोन भी अजीब सा गिरने जैसा हो गया। क्या हुआ? और पता नहीं में क्या हुआ? अजीब सा ऐसा लगा किसी ने कुछ आवाज किया, मतलब कोई चीज की कुछ अजीब सी आवाज थी। अच्छा, वही जो बता रही थी तुम, अजीब से अजीबोगरीब टाइप की आवाज थी। और मैं मेरा फोन मेरे हाथ से गिरने ही वाला था, उसके बाद ऐसा लगा फोन बंद हो गया। पता नहीं क्यों हिचकी भी लगातार आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों हिचकी आ रही है। उसके बाद फिर मैं भागते भागते सीढ़ियों से कैसे कैसे आई हूँ कुछ समझ में नहीं। पियो जाके करने से क्या? पी मैंने आधा बॉटल पी गई, तुम जाके देखो, समझ में नहीं आ रही, तब सिर दुख गया मेरा। लेकिन वैसे पता है ये हिचकी भी जब ज्यादा आती है ना, इसके पीछे भी ऐसा कारण होता है। एक तो नॉर्मल अपना जो साइंटिफिक रीजन है वो तो है, लेकिन लोग बोलते हैं हिचकी आना भी इतना ज्यादा अचानक से या तो किसी का याद करने की निशानी होती है या तो नेगेटिव एनर्जी की निशानी होती है। पता नहीं तुमने देखा है, मैंने आधा बॉटल पानी पी गई उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हो रही, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। और सिर तो ऐसा ब्लास्ट हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मैं अंदर से मैं उतनी। अच्छा, ये डर के कारण हिचकी आ रही होगी फिर। हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं इतना ज्यादा घबरा गई थी। और मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा डरती हूँ, मैं सुन पड़ जाती हूँ। और लिफ्ट वगैरह में कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं? नहीं, लिफ्ट में कोई नहीं आया, लेकिन मुझे डर लग रहा था। जैसे कि डर तो मैं पहले से ही गई थी, डर गई थी इसलिए ज्यादा ही डर गई। अब इतनी डर गई कि हिचकी आने लगी। तो खैर, फिलहाल अभी चैलेंज में हमको तो नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी अभी बैठ के क्लिप्स देखा और इसने भी देखी है। अब आप लोगों ने कुछ अलग नोटिस किए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी जल्दी में क्लिप्स देखे हैं, बाकी आगे का तो पता नहीं। खैर, अब इतना ही बोलेंगे इस पॉइंट में कि इतनी रिस्क और इतना डर उठाकर वीडियो की है, हम लोग कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो लाइक जरूर प्लीज लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि हम लोग कल या परसों, कल ही लाएंगे कि परसों लाएंगे, चलो देखते हैं, एक और स्कैरी धमाकेदार चैलेंज लेकर आएंगे जिसे देख कर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। खैर, चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।